नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रोहित झा और हिंदुस्तान समाचार की टीम के साथ में जुड़ गए हैं अमिताभ सोनी जी। सर, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना कीमती समय देने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी लोगों को। सर, आपसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि पिछली बार जो आयोजन हुआ था शॉर्ट फिल्म अहमदाबाद में हुआ था और इस बार आपने सर भोपाल को चुना है, ऐसा क्यों सर? देखिए, भोपाल काफी प्रसिद्ध होता जा रहा है, आप लोगों की भी जानकारी में है कि किसी भी प्रकार की शूटिंग या फिल्मों से संबंधित कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए भोपाल अब एक नैसर्गिक चॉइस जो है वो बनता जा रहा है। तो संभवतः हमारी केंद्र की जो टीम है उसका भी कुछ ऐसा ही विचार रहा, तो उस कारण से भोपाल का चयन। सर, साल भर में कई सारे अवार्ड फंक्शंस होते रहते हैं, लेकिन चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल ये बाकी फिल्म फेस्टिवल से कैसे अलग? देखिए, ये एक राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, तो ये आईफा या दूसरे जो आप बता रहे हैं उनसे इसकी तुलना करना सही नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक फिल्म फेस्टिवल है। इसका मुख्य आधार यह है कि शॉर्ट फिल्म्स युवा भी बना सकते हैं और इसमें हम लोगों ने कैंपस की भी कैटेगरी रखी, तो इसमें आप मोबाइल फोन्स भी उनका भी प्रयोग कर सकते हैं जिनके माध्यम से 5 मिनट से लेके 35 मिनट तक की फिल्म आप हमारी जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग थीम्स हैं, उनके ऊपर बनाई जा सके। तो युवाओं को जोड़ना फिल्मों से, क्योंकि हमारा जो मानस है, हमारा जो अवचेतन मन है, उसका भेदन फिल्में करती हैं। केवल हमारी फिल्में नहीं, दुनिया भर में जितनी भी फिल्में बनती हैं वो आपका जो चेतन मन होता है उससे दूर जाकर सीधे अवचेतन मन का भेदन, ये एक प्रोसेस है और ये काफ़ी समय से चला आ रहा, जो आपका वैल्यू सिस्टम है, आपके जो विचार हैं उनको भी बदल देता है। तो भारतीय विचार हमारी फिल्मों में, वो भले ही दक्षिण की फिल्में हों या नॉर्थ की हों या पूर्वोत्तर की हों, भारत में कहीं की भी फिल्में हों, तो ये जो भारत का विचार है, जो हजारों वर्ष पुरानी जो हमारी ये हमारा जो इम्पेटस है, जो भाव है, उसको फिल्मों में कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि एक योजनाबद्ध प्रयास काफ़ी समय से चल रहा है कि ये जो प्रवाह है ये इससे भारत की जो युवा पीढ़ी है, जो संतति है, वो दूर रहे। वो शिक्षा में भी आ रहा है, वो फिल्मों में भी आ रहा है, मास मीडिया के माध्यम से भी आ रहा है। तो ये प्रयास है कि भारतीयता भारत की फिल्मों में कैसे आ सकती है, युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए ये एक लघु फिल्मोत्सव है, लेकिन ये लघु प्रयास नहीं है, ये बहुत वृहद स्तर पर प्रयास है, इस कारण से हम लोग ये फिल्मोत्सव कर रहे हैं। बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जिनके पास में प्रोफेशनल कैमरा नहीं होता, तो वो मोबाइल फोन का यूज़ करते हैं। सर, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या आप कोई प्रयास कर रहे हैं? जी देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये कैंपस की कैटेगरी है, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं लोग उनके पास तो इक्विपमेंट रहता है, सब कुछ होता है, एडिटिंग भी आती है, लेकिन ये कैंपस मतलब कोई भी भारत का कोई भी कैंपस हो सकता है, या कैंपस के बाहर के भी जो लोग हैं वो अगर मोबाइल से कोई शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो वो भी संभव है, क्योंकि मूल उद्देश्य है लोगों को इससे जोड़ना। आज छोटे बच्चे जो हैं 10-11 साल के, वो भी कैमरे से कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, एक स्टोरी वो भी बना लेते हैं, तो उसी को हम लोग बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि आप भले ही चाहें तो अपने मोबाइल फोन से कहानी बना लें। देखिए, जो महत्वपूर्ण है वो है स्टोरी टेलिंग, तो वो किस स्तर की है, किस कैमरे से शूट की है, ट्राईपॉड पे रखा कि नहीं कैमरे को, ये कैंपस कैटेगरी में बहुत आवश्यक नहीं है। आवश्यक है कि आपकी विषय वस्तु क्या है। दूसरी जो उसमें हम लोग परख जो चीज़ परख रहे हैं वो ये है कि आपने कैसा प्रयास किया, तो इसलिए मोबाइल कैमरे का भी हम लोग चाह रहे हैं कि लोग उपयोग करें और फिल्म बनाएं और उसकी अलग से पुरस्कार की कैटेगरी। सर, 12 जनवरी को ट्रॉफी का अनावरण हुआ था, उसके बारे में सर कुछ बताइए। मनोज मुंतशिर जी उसमें मुख्य वक्ता थे, प्रखर ओजस्वी वक्ता हैं, लोग जुड़ जाते हैं उनके साथ में, और ट्रॉफी का अनावरण इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि एक बिल्डअप है, हमारा जो मेन प्रोग्राम है, मुख्य कार्यक्रम जो है वो एक महीने बाद है लगभग, तो एक चेतना जनमानस में जाए कि ये कार्यक्रम इस प्रकार का हो रहा। तो मनोज मुंतशिर जी आए थे, भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से प्रभावी ढंग से समझा पा रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, वो लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, लोग उनसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनके विचार से जुड़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए उनको उसमें बुलाया गया था और वो काफ़ी सफल आयोजन रहा। सर, लघु फिल्मोत्सव के लिए अब तक कितने वीडियोज़ आपके पास में आए हैं और किस विषय में, किस थीम पे युवाओं की या फिर जो भी वीडियोज़ भेज रहे हैं उनकी रुचि ज़्यादा रही? देखिए, हमारे पास लगभग अभी 750 वीडियो आ चुके हैं और ये बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं। हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठी हुई है जो उनको देख रही है, समझने का प्रयास कर रही है किसने क्या प्रयास किया है। हमारी अलग अलग कैटेगरीज हैं,
जैसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, स्वाधीन भारत के 75 वर्ष, अनलॉकडाउन, वोकल फॉर लोकल, गांव खुशहाल देश खुशहाल, भारतीय संस्कृति एवं मूल्य, इनोवेशन, परिवार, पर्यावरण एवं ऊर्जा, शिक्षा व कौशल विकास। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन सभी कैटेगरीज में इवन इसमें एनिमेशन भी है, तो इसमें एनिमेशन भी है और भारत के लगभग सभी राज्यों से हमारे पास एंट्री आई है। तो काफ़ी उत्साह है युवाओं में भी या जो फिल्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, और मेरे ख्याल से 750 की संख्या काफ़ी बड़ी है। और ये हम लोगों ने 15 दिसंबर की लास्ट डेट रखी थी, उसके बाद भी काफ़ी आग्रह था, लेकिन ये हमने एक नियम रूल बनाया हुआ था कि उसके बाद हम एंट्रीज नहीं लेंगे, तो नहीं ली। यदि उसको खोल देते तो मेरे ख्याल से लगभग डबल ये संख्या हो सकती थी फिल्म। सर, युवाओं में इस बात को लेकर उत्सुकता रहती है कि जो वहाँ पे कौन हस्ती आ रहे हैं, कौन सेलिब्रिटीज़ हैं जो उसमें शामिल होंगे, तो सर उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, इसमें पुराने जो आयोजन हुए हैं उसमें हेमा मालिनी जी, सुभाष घई, अब्बास मस्तान, मधुर भंडारकर, प्रसून जोशी, ये सब जुड़े रहे। इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माधुरी दीक्षित जी हैं, रवीना टंडन जी हैं, हमारे प्रोमोज इन्होंने किए हैं। तो देखिए, आना बहुत सारे लोग चाहते हैं क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और ये भारत की जनता द्वारा प्रयास है। भारत की जनता, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग जो हैं, या मैं भी हूँ, तो मैं सीधा फिल्मों से नहीं जुड़ा, तो ये भारत की जो सज्जन शक्ति है वो प्रयास कर रही है कि ये जो एक विधा है, फिल्म मेकिंग की जो विधा है, इसको स्वच्छ कैसे बनाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही सात्विक धार्मिक प्रयास है, तो इससे बहुत सारे लोग जुड़ना चाहें। समस्या केवल उनकी डेट्स पे आ रही है, क्योंकि इनकी डेट्स बहुत पहले से बुक हो जाती है। तो हम बहुत बड़े बड़े लोगों पर प्रयास कर रहे हैं, अक्षय कुमार जी पर भी प्रयास चल रहा है, और जितने नाम आप सोच सकते हैं बड़े नाम, उन सभी पर प्रयास चल रहे हैं। लेकिन बात केवल ये है कि उनकी डेट्स हमको मिल पाती है। सर, कोरोना की तीसरी लहर भी दस्तक दे रही है और अगले महीने इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होना है, तो उसको लेकर सर कैसे तैयारी चल रही है कि कोविड से बचते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए इसका सफल आयोजन किया जाए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और हम लोग सारे प्रयास कर रहे हैं कि इसमें एक हम लोग संतुलन कैसे बना सकते हैं कि एक ये सफल आयोजन भी रहे, साथ में लोग सुरक्षित भी रहे। तो इसको परिभाषित इस स्तर पे, इस समय पे करना बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन हम लोगों की बैठकें आरंभ हो गई हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको कितने वृहद स्तर पर करें कि लोग सुरक्षित भी रहें और आयोजन सफल भी रहे। तो ये अपने आप में थोड़ी सी टकराव की स्थिति है कि अगर हम बहुत अधिक लोगों को बुला लेते हैं तो वो उतने सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारी वजह से ये जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो बढ़े आगे, तो इसकी जानकारी हम कुछ समय बाद ही दे पाएंगे। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये होगा कि आप भारत में शॉर्ट फिल्म को लेकर क्या भविष्य देखते हैं, शॉर्ट फिल्म की क्या भविष्य रहने वाली है भारत में आने वाले दिनों में? देखिए, शॉर्ट हो या लॉन्ग, बात है ये स्टोरी टेलिंग, आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो हर जो फिल्म है वो एक स्टोरी है और मनुष्य का जो इंटरेस्ट है, जो रुझान है, वो कहानियों की तरफ रहता है। भले ही वो दादा दादी ने या नाना नानी ने हमको कहानियाँ सुनाई हों, या हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो एंड ऑफ द डे ये सब कहानियाँ ही हैं और कहानियाँ हमेशा से चली हैं, आगे भी चलती रहेंगी, उनके माध्यम बदलते रहेंगे। हमारे बहुत पास साची है वो ईसा पूर्व 200-300 ईसा पूर्व 2000-2500 साल पुराना वो साइट है, हेरिटेज साइट है, तो उस पर आप जाके देखेंगे तो कहानियाँ उस पर भी गढ़ी, तो कहानियाँ कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं, उनके स्वरूप माध्यम ये सब बदलते रहे, तो कहानियों का तो क्या कहा जाए, चलती रहे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना कीमती समय देने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत तो ये थे अमिताभ सोनी जी, जिन्होंने कि हमें बताया कि जो ये लघु फिल्मोत्सव होने वाला है उसमें क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।